मॉर्निंग्स स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 11.2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज 11.2 पर आए हैं, तो आप इस एक्सरसाइज से पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज 11.1 जरूर देखें, ताकि आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझने में थोड़ी आसानी मिल सके। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 11.2 पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह यह करना चाहूंगी कि आप इस चैनल को लाइक करें, अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि हमें भी आगे कार्य करने का मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है आपको, ए कंप्लीट अ वर्क अलोन इन ए बी सी, इस तरीके से आपको तीन पर्संस दिए हुए हैं, उनका नाम, एक का ए रख दिया, एक का नाम बी रख दिया और एक का सी रख दिया है। तो इसमें बोला है ए कंप्लीट अ वर्क अलोन इन 10 डेज। ठीक है, तो ए जो है हमारा वो अकेला कार्य कर रहा है, तो उस कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। बी कंप्लीट द सेम वर्क अलोन इन 12 डेज, तो जो बी है वो कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, अकेला जब वो कार्य कर रहा है तो 12 दिन में उसे फिनिश कर रहा है। एंड सी कंप्लीट द सेम वर्क अलोन इन 15 डेज, और सी जो है वो कितने दिन में कर रहा है, उसे 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इन हाउ मैनी डेज दे डू इन ऑल वर्क टूगेदर, तो ये बोल रहा है कि अगर वो तीनों जुड़ जाएं, ठीक है, तो वो एक कार्य, मतलब इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। पहले हम लिख लेते हैं, जैसे कि ए यहां लिखेंगे वर्क डन बाय ए इक्वल टू 10 डेज, सेम वर्क डन बाय बी इक्वल टू 12 डेज, सेम वर्क डन बाय सी इक्वल टू 15 डेज। ठीक है, वो कार्य तो इतने दिन में कर रहे हैं, अब हमें लिखना है वर्क डन बाय 1 डे, हम लिखेंगे यहां पर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां ऐसी करो वर्क डन इन 1 डे इक्वल टू क्या हो जाएगा, डन बाय ए इन 1 डे, 1 डे में कितना हो जाएगा, तो 1/10, वो एक दिन में जो 10 दिन में कार्य कर रहा है, तो एक 1/10 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि जो 1 होता है, जब हमारा कार्य ज्यादा हो और एक दिन में हो तो उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड, अगर इधर हमारी डिजिट ज्यादा होती है और इधर कम तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सेम वर्क डन बाय बी इन 1 डे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/12, सेम वर्क डन बाय सी इन 1 डे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/15। इतना समझ आया, तो एक एक जब वो 15 दिन में कार्य करें तो एक दिन में 1/15 ही तो करेंगे ना, कंप्लीट है इतना। अब बोला है टुगेदर ए प्लस बी, तो टुगेदर की बात है, ए प्लस बी मतलब तीनों को हम जोड़ दें, जो तीनों का वर्क है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, तो 60 इसका एलसीएम आ गया, तो क्या आ जाएगा, 10 6 60, यहां 6, 12 5 60, तो 5, और 5 4 60, 15 4 60, तो 4, तो कितना आ गया, 15/60, तो 5 5 5 4 20, तो 1/4, तो ये कितने दिन का कार्य आ गया, 1 डे का। ठीक है, 1 डे का कार्य आया ना ये,
तो वो चारों तीनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं एक दिन में? चार। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए वर्क डन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर डेज। तो अगर वो चारों इस कार्य को मिलकर करेंगे तो वो कितने दिन में कर देंगे खत्म? चार दिन में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है और करना है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ ए एंड बी टुगेदर डू अ वर्क इन सिक्स डेज। ये बोल रहा है ए और बी एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? दोनों मिलकर छह दिन में। एंड ए एलोन कंप्लीट दिस वर्क इन 15 डेज। और जो ए है वो अकेला कर रहा है तो वो कितने दिन में कर रहा है इसको? 15 दिन में। देन इन हाउ मेनी डेज विल बी एलोन फिनिश द वर्क। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है, वर्क डन बाय ए प्लस बी, पहले तो ए प्लस बी का ही दिया है टुगेदर का, ए प्लस बी इक्वल टू क्या? सिक्स डेज। दोनों कितने में कर रहे हैं? सिक्स डे में कर रहे हैं। वर्क डन बाय ए प्लस बी इन वन डे इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन अपॉन सिक्स। तो वो दोनों मिलकर एक कार्य एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? वन अपॉन सिक्स। ए वन डे वर्क, ठीक है, या फिर हम लिखो ए वर्क डन बाई ए इक्वल टू 15 डेज। तो एक दिन का क्या कार्य निकालेंगे इसका? वर्क डन बाई ए इन वन डे, एक दिन में कितना करेगा? वन अपॉन 15, वन अपॉन 15 डेज ही तो करेगा ना। तो अब हम निकालेंगे वर्क डन बाय बी इन वन डे। वर्क डन बाय बी इन वन डे इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन अपॉन सिक्स माइनस के वन अपॉन 15, तभी तो निकलेगा। तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम? 30। तो 6 × 5 = 30, तो 5 माइनस के 2, तो कितना आ जाएगा? 3/30। 3 × 3 = 3, 3 × 10 = 30, तो क्या आ गया? 1/10। वन दिन का कितना आया? वन दिन का आ गया 1/10। तो फिर क्या आ जाएगा? बी वर्क डन बाय बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 डेज। रेसिप्रोकल हो जाता है, जब एक दिन का निकालते हैं तो 1/10 होता है, अगर वैसे दिन निकालते हैं हम तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। इतना कंप्लीट है, क्लियर है? तो हमें क्वेश्चन को देखना है, समझना है और जब करना है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए कैन, ए है जो फिनिश अ वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन डू इट इन 15 डेज। मतलब ए एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में, और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। After A had work for 3 days, तो जो A है वो 3 दिन बाद क्या करता है? 3 दिन वो अकेला कार्य करता है। B also join A, और B क्या करता है? A को join करता है। Do finish the remaining work, जो बचा हुआ कार्य है उसको करने के लिए join करता है। In how many days the remaining work will be finished, तो हमें बताना है कि कितने दिन में जो बचा हुआ कार्य है वो फिनिश हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वर्क डन बाय ए इक्वल टू 12 डेज, और एक दिन का निकालेंगे तो वर्क डन बाय ए इन वन डे इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/12। और वर्क डन बाय ए इन
थ्री डेज, क्योंकि 3 दिन तो उसने अकेले नहीं किया है, तो 3/12, तो 3 में 3 4 12, तो क्या आ गया, 3 दिन में उसने कितना कार्य किया है, 1/1/4, तो उसने कार्य कंप्लीट कर दिया है 3 दिन में, तो रिमेनिंग वर्क क्या बचेगा, वर्क इज इक्वल टू 1 - k, 1/4 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से करेंगे, यहां भी 4 से, तो क्या आ जाएगा, 4 - 1/4, तो कितना बचा है कार्य, रिमेनिंग वर्क क्या है हमारा, 3/4, तो इस कार्य को क्या करता है, बी भी ज्वाइन करता है, तो यहां लिखेंगे वर्क डन बाय बी बाय बी इज इक्वल टू 15 days, तो वर्क डन बाय बी इन 1 day, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 1/15, इतना कंप्लीट है, इतना समझ आ रहा है, एक दिन का कार्य हमें हर एक में निकालना है। अब हम करेंगे ए प्लस बी, तो ए वर्क डन बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, इन 8 डे निकाल लो एक दिन में, इन 1 day, तो 1 day का निकाल रहे हैं हम दोनों का, तो 1/15 तो ये है, और प्लस 1/12 ये है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 15 का 60 एलसीएम आ जाएगा, तो 60 और 15 चौका 60, 4 और 12 पंजे 60, तो कितना आ गया, 9/60, तो इसे 3 3 9, 3 2 6, तो कितना लिख सकते हैं, 3/20, तो एक दिन का है, और हम दोनों को वैसे निकालें, वर्क डन बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 20/3, ठीक है, वो एक दिन का कार्य था, ये हमारा ए प्लस बी का ओरिजिनल कार्य है। अब लिखेंगे ए प्लस बी, मतलब वर्क डन बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 20/3 days, ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं वो, 20/3 days, ठीक है। अब वर्क कितना जो बचा हुआ कार्य है, वर्क डन बाई ए प्लस बी इन कितना बचा था वो, 3/4 day, तो क्या कर देंगे इसको, 20 into 3 into 3/4, तो 3 से 3, 3 4 जा 4 5 जा 20, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 days, ठीक है, तो कितने दिन में करेंगे वो बचे हुए कार्य को दोनों एक साथ मिलकर, 5 दिन में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd भी यहाँ पर समाप्त होता है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4th है। क्वेश्चन नंबर 4th है हमारा, इफ 10 persons कैन डू अ जॉब इन 20 days, तो कुछ persons हैं, मतलब 10 persons हैं, वो कितने दिन कार्य करते हैं, अपनी जॉब करते हैं, 20 days के 20 दिन, देन इन हाउ मेनी डेज 20 persons वेन ट्वाइस द एफिशियंसी कैन डू द सेम, तो ये बोल रहा है कि 20 persons हैं जिनकी एफिशिएंसी भी क्या है, दुगनी है पहले 10 वालों से, तो वो इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, ये पूछा है, तो हम इसे करते हैं, डायरेक्ट कर देती हूँ मैं इसे, पिछली जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कराए थे इसी प्रकार से मैं इसे करा देती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसमें हमें और क्वेश्चंस हमने क्यों नहीं दिए करे थे, क्योंकि उसमें एक एक क्वांटिटी दे रखी थी, इसमें 2 क्वांटिटी दे रखी है, तो इसलिए हम कर देंगे इसे, मैन डेज, तो पहले 10 मैन कितने दिन में करें, 20 में, तो वो बोल रहा है कि 20 मैन कितने दिन में करेंगे, तो x, तो 2x हो जाएगा, उसकी दुगनी एफिशिएंसी 2x, और एक इसमें दिया है इट
इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. तो x1 y1 is equal to x2 y2, ये फॉर्मूला आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा. तो 10 into 20 is equal to 20 into 2x. तो यहाँ क्या इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में 20 into 10 upon 20 into 2, ये भी आ जाएगा इधर ही, इल्टर is equal to x. तो 20 से 20 2 5 जा 10, तो x is equal to क्या आ गया 5. तो 5 डेज में वो कर देंगे इसे. तो 20 लोग इसे कितने कार्य कितने दिन में कर देंगे, 5 दिन में. ठीक है, इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 4th है ये भी करा दिया. इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है. 5 में दिया हुआ है ए कैन वर्क ट्वाइस अ फास्ट एज बी. तो ये बोल रहा है कि जो ए है वो कितने बी से कितना दुगना दुगनी एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है. इफ दे टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, अगर वो दोनों एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं मिलकर 12 दिन में. देन इन हाउ मेनी डेज विल बी एलोन कंप्लीट दिस वर्क. तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है. हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लेट वर्क डन बाय बी इन वन डे इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स. अब इसी प्रकार से लेट वर्क डन बाई ए इन वन डे इक्वल टू 2x, क्योंकि जो ए है वो कितना है दुगना है ए से. इतना समझ आया. अब वर्क डन बाई वर्क डन बाई ए एंड बी टूगेदर इन वन डे इक्वल टू एक्स प्लस 2x हो जाएगा. इक्वल टू क्या है 1/12 कर रहे हैं वो दोनों मिलके 12 दिन में कर रहे हैं. तो इसकी वैल्यू क्या है ए और बी की, x प्लस 2x दोनों मिलकर तो यही होगा ना 1/12. तो ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 1/12, 1 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 12 3 36 इक्वल टू 36x 1 हो गया और x इक्वल टू 1/36. तो ये वन डे का कार्य था. और अदर हम कार्य निकालेंगे तो वर्क ऑल डेज तो क्या आ जाएगा 36. तो 36 इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है. पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं. इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कैन कंप्लीट एनी वर्क इन 6 डेज. ए कोई भी कार्य है उसको कितने दिन में कर रहा है, वो 6 डेज में कर रहा है. बी कैन कंप्लीट इन 9 डेज, और बी कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है उसी कार्य को. इफ दे स्टार्ट टूगेदर, अगर वो दोनों एक साथ कार्य स्टार्ट करें, देन इन हाउ मेनी डेज विल इट गेट फिनिश, तो वो उस कार्य को कितने दिन में फिनिश कर देंगे, ये पूछा है हमें क्वेश्चन में. तो हम लिखेंगे वर्क क्वेश्चन 6 वर्क डन बाय ए इन वन डे इक्वल टू क्या है 1/6, क्योंकि वो 6 कर रहा है वैसे. सेम वर्क डन बाय बी इन वन डे इक्वल टू 1/9, वो 9 दिन में कर रहा है 9 दिन में. अब वो बोला है उसने कि दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, तो करेंगे लिखते हैं वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 प्लस के 1/9, दोनों मिलकर तो यही करेंगे ना, तो इसे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 18, तो 6 3 18 प्लस 9 2 18, तो 2 तो कितना आ गया 5/18. अब इसका ये तो एक एक दिन का वर्क आया है ना इनका, तो टुगेदर वर्क क्या आ जाएगा ए प्लस बी.
इसका टू रेसिप्रोकल हो जाएगा 18 अपॉन 5, तो किसे क्या लिख सकते हैं, 5 3 जा 15, 3 अपॉन 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना इस चैप्टर को, नहीं तो जब पेपर में करने जाएंगे ना तो यहां से निकलेगा सब कुछ। ठीक है, जब तक आप इसका मेन चीज नहीं समझेंगे ना तब तक तो गया ऊपर से, इसीलिए इसे अच्छे से ध्यान से समझना है, एक बार नहीं दो दो बार वीडियो इसे देखना है, ठीक है, तभी क्वेश्चन हो पाएगा ये। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 20 पर्सन कैन डू अ वर्क इन 180 डेज, तो ये बोल रहा है कि 20 आदमी एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 180 दिन में, देन हाउ मेनी पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट वर्क इन 40 डेज, तो ये बोल रहा है कि कितने आदमी इसे चाहिएंगे, कितने 40 दिन में करने के लिए, जबकि 20 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 180 दिन में, तो इसने 20 आदमी बढ़ा दिए तो कार्य क्या हो जाएगा, डेज 40 बढ़ा 40 कर दिए, मतलब डेज कम कर दिए तो आदमी भी सीधी सी बात है बढ़ जाएगा, तो इसे हम पिछली वाली जो एक्सरसाइज थी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, मेन और डेज, तो यहां क्या है 20 आदमी 180 दिन में कर रहे हैं तो 40 दिन दिए हैं एक्स, तो ये हमारा किस में हो जाएगा, तो डेज कम कर दिए तो आदमी बढ़ेगा, तो किस में है ये, इनवर्स प्रोपोर्शन में, इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, तो एक्स वन वाई वन इजकल टू एक्स टू वाई टू, फॉर्मूला लगा दिए तो 20 इंटू 180 इजकल टू एक्स इंटू 40, तो मल्टीप्लाई है में है तो इधर डिवाइड में, 180 अपॉन 40 इसकल टू एक्स, तो 0 और 2 से 2 4 2 2 जा 4 2 से 2 9 जा 80 0, तो एक्स इसकल टू क्या आ गया 90, तो 90 क्या है मेंस, तो 90 आदमी कर पाएंगे, और यहाँ पे कितने कर रहे थे 20 आदमी, तो सीधी सी बात है जब दिन घटाए तो आदमी बढ़ जाएंगे, तो ये किस में है इनवर्स प्रोपोर्शन में, मैंने आपको पहले ही बताया अगर एक कार्य घट रहा है और एक बढ़ रहा है तो वहां पर क्या होगा इनवर्स प्रोपोर्शन, अगर एक कार्य कहीं पर घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है तो वहां पर क्या होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ए सर्टेन जॉब 8 है, ए सर्टेन जॉब वॉज असाइन टू अ ग्रुप ऑफ मैन टू डू इन 20 डेज, एक ग्रुप है उसको असाइनमेंट दिया हुआ है तो वो कितने दिन में कर रहा है उस असाइनमेंट को, 20 दिन में, बट 12 मैन डिड नॉट टर्न अप, लेकिन 12 लोगों ने क्या नहीं किया उस कार्य को नहीं किया। ठीक है, फॉर द जॉब एंड द रिमेनिंग मैन, तो इसमें पूछा है कि कुछ रिमेनिंग मैन है डिड द जॉब इन 32 डेज, जो बचे हुए लोग हैं उन्होंने कितने दिन में इस कार्य को किया है 32 दिन में, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन इन द ग्रुप, तो हमें फाइंड करने हैं ओरिजिनल मैन, मतलब ओरिजिनल नंबर ऑफ मेंस, तो ओरिजिनल नंबर्स ऑफ मैन हमें निकालने हैं कि ग्रुप में ओरिजिनल आदमी कितने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन इन ग्रुप इक्वल टू एक्स, हमने एक्स मान लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने मान लिया एक्स मैन कंप्लीट द जॉब इक्वल टू 20 डेज, कितने दिन में कर रहा है वो 20 डेज में कर रहे हैं जो एक्स मैन है, और एक्स माइनस 20, तो बोला है कि 20 लोग, तो एक्स माइनस 20 मैन कंप्लीट द जॉब इक्वल टू 32 डेज, जो बचे हुए लोग थे वो कितने दिन में कर रहे थे उसको 32 दिन में। ठीक है, तो अब इसके हमें इक्वल करना है, तो x ये क्या हो जाएगा x इंटू 12 x इंटू 20 इक्वल टू और x माइनस 12 मल्टीप्लाई 32
32 लोग कर रहे थे इस कार्य को। इतना समझ आया ना, 20 दिन में एक कार्य को कौन कर रहा था हमने, ये तो मैंने लिख के बता दिया है आपको, इसे और बना लो, मैन और डे। तो मैन कितने थे, एक्स थे टोटल मैन। अब एक्स मैन कितने दिन में कर रहे हैं, एक्स मैन कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में, और एक्स माइनस 20, तो एक्स जो ओरिजिनल ग्रुप था उसी में से तो हमने 20 माइनस किए ना, तो एक्स माइनस 20, और ये कितने दिन में कर रहे हैं, 32 दिन में इस कार्य को कर रहे हैं, और ये किस में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, कहीं आप गुमराह ना हो इसलिए मैंने ये बना दिया है, ठीक है। तो ये किस में है, एक्स वन बाई वन इजकल टू एक्स टू बाई टू, तो एक्स वन क्या है, एक्स इंटू 20, और एक्स एक्स टू क्या है, एक्स माइनस 20, सॉरी यहां पर 12 है, ये 12 और यहां पर 32 मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, 20x इक्वल टू 32x माइनस के 384 आ जाएगा यहां पर। इतना क्लियर है, तो इधर 20x माइनस के 32x आ गया, और यहां से माइनस के 384, तो माइनस के 12x इक्वल टू माइनस के 384, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 384 अपॉन 12 3 जा 36 और बचे 2, 12 2 जा 40, तो x इक्वल टू 32, तो मैन कितने आ गए, 32, तो यहां 32 और यहां 32 माइनस 12 कितने बचेंगे, 20 ही बचेंगे, इस प्रकार से हमें करना है। तो ये क्या है, 32 मेंस आए हैं हमारे। आई होप क्वेश्चन सारे समझ आ रहे होंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको हार्ड तरीके से समझाया हो, जितना मेरे मुझसे हो सकता है मैंने इतना इजी तरीके से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है आप सभी को, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, तो ए जो है वो मतलब दुगना अच्छा है किससे, बी से, एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, लेकिन वो दोनों एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में। इन हाउ मैनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द वर्क, अगर मतलब ए इस कार्य को जो वो 14 दिन में दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में फिनिश करेगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो आइए करते हैं, लेट वर्क डन बाई बी इक्वल टू एक्स डे, एक्स सेम लेट वर्क डन बाई ए इक्वल टू 2x, क्योंकि वो दुगना अच्छा है ए बी से, वर्क डन बाई दोनों का, वर्क डन बाई ए एंड बी टूगेदर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 डेज, और ये कितने हैं, x प्लस 2x इक्वल टू 14, और यहाँ 3x इक्वल टू 14, और x इक्वल टू 14 अपॉन 3। अब इनका वर्क डन बाई ए एंड बी इन वन डे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 14, तो ये x प्लस 2x इक्वल टू 1 अपॉन 14, तो यहां से क्या आ जाएगा, बन कर लो, मतलब 3x इक्वल टू 1 अपॉन 14, तो ये कितना हो जाएगा, 44 एक्स इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 अपॉन 42, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 42, तो 2x की x इक्वल टू, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 अपॉन 14 2, तो 2 जा 4 और 2 बन जा 2, तो क्या आ गया, b की वैल्यू क्या आ गई, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 42 और इसकी 1 अपॉन 21। इतना समझ आया, तो इसमें b का ही पूछा है, तो b कितने दिन में करेगा, तो सॉरी a का पूछा है, तो a वर्क डन बाई a इक्वल टू क्या है, a इन वन
डे इक्वल टू 1/21, तो वर्क डन बाय ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 डेज। तो कितने दिन में कर पाएगा वो? 21 डेज में। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ए सिस्टर्न विच हैज अ लीक इन बटन इज फिल्ड इन 15 आवर। तो ये कह रहा है कि इस सिस्टर्न, एक सिस्टर्न है मतलब एक टंकी टाइप की है जिसे लीकेज के साथ साथ वो कितने घंटे में भर रही है? 15 घंटे में। हैड देयर बीन नो लीक, जबकि वहां पर कोई क्या नहीं है, नो लीक है मतलब लीक नहीं है, आई कुड हैव बीन फिल्ड इन 12 आवर्स। तो उसे वो कितने दिन, कितने घंटे में भर रहा है? 12 घंटे में। इफ द सिस्टर्न इज फुल, अगर वो फुल है तो देन इन हाउ मैनी आवर्स द लीक कैन एम्प्टी इट। तो वो लीकेज, जहां पर लीकेज हो रहा है उसके द्वारा वो कितने घंटे में खाली होगी, वो हमें बताना है। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। नंबर नंबर ऑफ आवर आर सिस्टर विद लीक इज इक्वल टू 15 आवर। ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर अ सिस्टर्न कैन बी फिल विदाउट लीक इज इक्वल टू 12 आवर। तो कितने घंटे में भर रही है वो? 12 घंटे में, अगर उसमें कोई लीकेज नहीं है तो। सेम नंबर नंबर ऑफ आवर अ सिस्टर्न विद विद लीक इन 1 आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/15। सेम नंबर ऑफ आवर विदाउट असिस्टेंट फिल विद आउट लीक इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन 1 आवर, इन 1 आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/12। तो दोनों में कितना है? 12 है। 1/12 एक घंटा में वो कितना हो पाएगा? तो 12 घंटे में भर रहे हैं हम उसे, तो 1/12 ही हो पाएगा ना एक घंटे में। तो अब इनका तो लिखेंगे वर्क डन बाय द लीक इक्वल टू 1 आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/12 माइनस के 1/15। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 60, 12 × 5 = 60। तो 5 और 15 × 4 = 60, तो कितना हो जाएगा? 1/60। तो एक घंटे में वो कितना लीकेज कर रही है? 1/60। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो फिर वर्क डन द लीक इक्वल टू 60, क्योंकि इसका ही तो रेसिप्रोकल होता है, वो 1 डे का निकालते हैं हम, तो हम सारा ही निकाल रहे हैं। तो 60 घंटे में उसको क्या कर पाएगी? खाली कर पाएगी, अगर हम उसे विदाउट लीकेज के 12 घंटे में भर रही हैं, तो खाली लीकिंग पॉइंट से वो कितने घंटे में उसे खाली कर पाएगी? 60 घंटे में खाली कर पाएगी वो उसे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 11.2 यहां पर समाप्त होती है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैंने सभी क्वेश्चंस एक ही मेथड से समझाए हैं, तो ये ना कहें कि क्वेश्चन समझाती नहीं करती रहती हैं, तो ये गलत बात है।
मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए चल रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बताते हुए चल रही हूँ। ये नहीं है कि मैं मुंह पे पट्टी बांध के क्वेश्चन समझा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं साथ के साथ पॉइंट के पॉइंट, डिजिट के डिजिट बताते हुए चल रही हूँ। तो कृपया करके ऐसे कमेंट ना करें कि हमें क्वेश्चन कराती रहती है, समझ नहीं आता है, ये गलत बात है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आती है, वो पूछ सकते हैं, ये ना बोले कि क्वेश्चन नहीं समझाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 11.2 यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।